हेलो एवरीबॉडी दिस इज खुशी सिंगला एंड यू आर वाचिंग ऑन सी इंस्टीट्यूट चैनल तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना क्या पढ़ा था स्विचिंग सर्किट्स राइट एंड स्विचिंग सर्किट्स में हमने क्या करा था रिलाइजेशन देखा था किस किस का ऑफ एंड और नॉट नैंड नॉर का आप लोगों को बोला था का कुछ नहीं जैसे और के में आप देखोगे हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे है और हम के में क्या कर देंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमें अपना सर्किट मिल जाएगा अपना स्विच मिल जाएगा ओके okay? तो इन टू डेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी स्विचिंग डिवाइसेस एंड द फर्स्ट वन इज डायोड एज अ स्विच Diode as a switch. Now the first question is what is diode? Right? Diode is an electrical yeah, electronic component that allows the current. टू फ्लो ऑनली इन वन डायरेक्शन ओके एंड अब क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये स्विच क्यों कहलाता है ऐसा क्या कि भाई ठीक है समझ आ गया डायोडिक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं पर लेकिन हम इसे स्विच क्यों बोल रहे हैं ऐसा क्यों द चेंज ऑफ the change of forward and the change of forward and backward the change of forward and reverse more accurate reverse by saying of the diode makes the diode uh, as a switch अब आप सब लोगों ने पी एन जंक्शन तो पढ़ा ही होगा राइट पी एन सैमी कंडक्टर पी एन कंडक्टर में क्या होता था पी रीज़न हमारा लाइटली डोप्ड होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर होता था और एन रीज़न हमारा हाईली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स मेजोरटिक कैरियर होता था राइट right? तो हमने अब इसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे अगर हमारी एक स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है तो फिर क्या होता है अगर हमारी एक स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है तो हमारा डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज होता है और जैसे ही डायोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वो डायोड क्या कहलाएगा रिवर्स बाइस्ड और वो एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा रिवर्स कंडीशन में वो कैसा स्विच uh, कैसे कवर करता है ओपन स्विच एंड जब हमारा जो वोल्टेज जो हम अप्लाइड कर रहे होंगे वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज से कम होगी तो क्या होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा राइट right? और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा तो वो हमारे डायोड को क्या बना रहा होगा फॉरवर्ड बायस्ड और जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो वो क्या होगा क्लोज स्विच इतने में कोई दिक्कत यही पता है जब हम पी एन जंक्शन बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है टू टर्मिनल राइट तो हमें पता चला हमारा डायोड क्या होता है एक टू टर्मिनल पी एन जंक्शन है जो कि स्विच की तरह यूज़ किया जा सकता है अब थोड़ा देखते हैं इसका डायग्राम क्या होता है ओके स्विचिंग सर्किट क्या होता है हमारा स्विचिंग सर्किट कुछ नहीं बहुत सिंपल है यहाँ पे क्या है वोल्टेज अप्लाइड इधर लेट से रेजिस्टेंस आर वन है ओके ये ऑन ये ऑफ ओके यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आर टू फ्लो हो रहा है ये ऐसे इधर वोल्टेज ये हमारा डायोड डी और ये हमारा ऐसे सर्किट कंप्लीट हुआ तो अब देखो क्या हो रहा होगा अब हमें पता है पी रीजन क्या है लाइकली डोप्ड होल्स हैं इसमें और इसमें क्या है हमारे हाईली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जब स्विच हमारा ऑन की कंडीशन में होगा जो एनोड होगी डायोड की जो एनोड होगी डायोड की वो क्या होगा उसे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी है ना? जो एनोड होगी इसे क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और जो कैथोड होगी डायोड की उसे क्या होगा नेगेटिव सप्लाई मिलेगी तो इस कंडीशन में जो डायोड है वो हमारा कैसे एक्ट करेगा एक फॉरवर्ड पाइसिंग की तरह यूज करेगा और वो कंडक्टिंग होना शुरू हो जाएगा समझ में आया जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो एनोड होगा हमारे डायोड का उसे पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी और इस केस में क्या होगा ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड और इस केस में ये क्या करेगा एक फॉरवर्ड बाइसिंग का वर्क करेगा और ये कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा पर लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन से ऑफ करती हूँ तो देखो क्या हो रहा होगा जो हमारा एनोड है डायोड का वो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा नेगेटिव वोल्टेज आ रही होगी इस पर है ना और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा जो कि करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा था वो जीरो पे ड्रॉप कर जाएगा राइट और जैसे ही वो करंट जीरो को ड्रॉप कर जाएगा तो डायोड कैसा बन जाएगा डायोड एक ओपन सर्किट हो जाएगा राइट तो यहाँ पे नोट करने की क्या बात थी ये करने की बात थी कि जो डायोड है डायोड का जो करंट होगा जो कि फॉरवर्ड करंट है जो कि हम कह रहे हैं जैसे हमारा इसमें एनोड हमारा नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ इसका करंट ड्रॉप हो गया तो ये बात ध्यान रखना है इसका करंट ड्रॉप ज़ीरो पे एक साथ नहीं होता पर लेकिन इसे थोड़ा सा टाइम लेता है और उसी टाइम को हम बोलते हैं वैसे फो यो रिवर्स रिकवरी टाइम ओके कि अपनी स्टेडी स्टेट में आने में जो टाइम लेता है वो डायोड डायोड uh, उससे हम क्या बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम ओके अब इसका थोड़ा सा समझ में आया अब देखो लेट्स से अगर मैं सिलीकन एक सेमी ले रही हूँ तो हमें पता है सिलिकॉन का क्या होता है अबाउट ज़ीरो पॉइंट सेवन वोल्टेज उसका स्पेसिफाइड एक वोल्टेज होता है तो हमारा क्या होता है हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनता है so, I'm so sorry. ऐसे यहाँ पे ये कैसे बन रहा होगा इधर तो हम इसकी बात करते हैं इस पॉइंट की ठीक है ये हमारा क्या होता है 0.7 वोल्ट अब क्या होगा इनिशियली जो करंट है वो फ्लो हो रहा होता है इनिशियली लीकेज करंट फ्लो होता है किसकी वजह से ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ओके और जैसे ही ये कट इन वोल्टेज को क्रॉस करता है तो फिर क्या होता है उसके आगे उसके आगे करंट तो शार्पली इंक्रीज करता है पर लेकिन वोल्टेज नियरली सेम रहती है ओके और इसके आगे ये क्या होता है ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं जैसे वो कटिन वोल्टेज को क्रॉस कर देगा ऑन कंडीशन ओके जैसे अब हमारे स्पेसिफाइड वोल्टेज से क्या हो रहा होगा अब यहाँ पे देखो अब रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा होगा ये ऐसे ऐसे पहले तो ठीक है थोड़ा थोड़ा होगा एंड देन सीधे एक ब्रेक डाउन हो जाएगा ओके हमारा जंक्शन ब्रेक हो जाएगा इतना समझ में आया तो जब हमारा एक नेग्लिजिबल वोल्टेज होगा देखो जब हमारा एक नेग्लिजिबल वोल्टेज होगा तो वो क्लोज्ड स्विच होगा और अगर वो क्लोज्ड स्विच है तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा समझ में आया ये कॉन्सेप्ट ये हमारा i है ये हमारा v है और i जब ग्रेटर i ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या है v इज इक्वल टू ज़ीरो और ये कंडीशन हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग की होती है अगर वहीं मैं ये ले लूँ कि भाई i इधर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो v है वोल्टेज का लेस देन ज़ीरो है और ये किस केस में होता है जब i इज इक्ल टू ज़ीरो है करंट फ्लो नहीं कर रहा समझ में आया सर्किट डायग्राम समझ में आएगा कि सर्किट डायग्राम समझ में आया कि स्विचिंग कैसे हो रही है भाई कि जैसे ही हम ऑन कंडीशन हुई ऑन कंडीशन होने पे क्या हुआ जो डायोड की जो डायोड का एनोड था उसे क्या मिल गया पॉजिटिव और जो डायोड का कैथोड था उसे क्या सप्लाई मिली नेगेटिव सप्लाई और इस कंडीशन में क्या हो गया डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया और इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया पर लेकिन जब हम ऑन से ऑफ की कंडीशन पे आते हैं तो क्या हो रहा है जो डायोड का एनोड था उसे क्या मिला नेगेटिव सप्लाई और इससे क्या मिला कैथोड को क्या मिला पॉजिटिव सप्लाई और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा जो हमारा करंट फॉरवर्ड बाइस में फ्लो कर रहा था वो ज़ीरो पे ड्रॉप हो जाएगा पर लेकिन याद रखना वो एक साथ ज़ीरो पे ड्रॉप नहीं होता वो धीरे धीरे करके होता है और इसी टाइम को जो टाइम वो लेता है ज़ीरो पे ड्रॉप होने पे उसे हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम ओके ताँ� इतने में कोई डाउट अच्छे से समझ में आया कि भाई हमारा क्या है वही ये आपका डायोड है राइट ए सी लेट से एंड यहाँ पे वोल्टेज है ये आपकी प्लस और नेगेटिव जब आपकी प्लस से नेगेटिव होगी तो ये हमारा कैसे वर्क करेगा क्लोज स्विच इधर ठीक है और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा वी डी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड आई डी हमारा इधर फ्लो करेगा लेट से वोल्टेज ऑफ डॉड करंट ड्यू टू डायोड सेम अब मैं यही ले रही हूँ अब मैंने इसे क्या कर दिया चेंज कर दिया ये हमारा माइनस सप्लाई मिल रही है और इसे हमें क्या मिल रही है प्लस सप्लाई ये हो रहा है तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा ये एज अ ओपन स्विच वर्क करेगा और हमारी आई डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रहेगी इस कंडीशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये हमारा रिवर्स का केस हो गया एंड ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का केस हो गया सो so, आपको समझ में आया हो एंड थैंक यू